हेलो दोस्तों, देव स्टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो लोग पुराने हैं वो लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी भी आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों पेनी स्टॉक जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। जब टाटा पावर में तेज़ी आई तो जयप्रकाश पावर वेंचर में भी तेज़ी आ गई है। आप देख सकते हो जयप्रकाश पावर वेंचर का जो काम है वो थर्मल पावर प्लांट ये बनाता है। जिस प्रकार से टाटा पावर काम करता है उसी सेम प्लेटफॉर्म पे जयप्रकाश पावर वेंचर भी काम करता है। इसकी साइट मैंने ओपन की है, अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो इसके वेबसाइट पे जाके भी आप स्टडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स, इसका जो करंट प्राइस है 8.25 रुपये है। इसने हाई किया था 11.20 रुपये का और इसने लो किया था 2.80 रुपये का। इसको जो मार्केट कैपिटल है वो 5,600 करोड़ की है। इसकी बुक वैल्यू 15 रुपये है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। ROE 2.83% है और ROCE 7.18% है। कुल मिला के ये कंपनी अच्छी लग रही है क्योंकि लास्ट ईयर जब इसका प्राइस 2.80 रुपये था तो बहुत से लोगों ने इसमें बाय भी किया होगा और अभी अच्छा खासा मुनाफे में बैठे रहेंगे। अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 8 रुपये पे और इसकी जो बुक वैल्यू है 15 रुपये है। अगर ये बुक वैल्यू के पास भी पहुँच जाता है तो आपका जो अमाउंट है वो 100% इमीडिएटली हो सकता है, ये बुक वैल्यू में नज़र आ रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22% CAGR ओवर लास्ट ईयर्स। ये बहुत अच्छी पॉइंट मुझे लगा। कॉन्स में जो दिख रहा है प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम है। सेल्स में आप देख सकते हो दोस्तों मार्च 2019 उसके बाद जून 2019 सितंबर इसमें जो सेल्स हुआ करती 810 करोड़, 1,000 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ और अभी की अगर आप सेल्स देखोगे तो 900 करोड़ और सडनली एकदम से जंप आता हुआ नज़र आ रहा है वो 1400 करोड़ का है। दिसंबर 2021 में इसकी जो सेल्स है बाकी सबके मुकाबले बहुत बेहतरीन हमको प्रदर्शन नज़र आ रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 365 करोड़ का है, ये भी अच्छा संकेत है। तो आप इस शेयर को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, लेकिन खुद की एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लेना दोस्तों। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, अदानी पावर, JSW एनर्जी और 8वें नंबर पे JP पावर वेंचर्स है। तो आप अगर थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर अदानी ग्रीन की अगर क्वार्टर सेल्स अगर देखे जाए वो भी करोड़ में तो 1400 करोड़ है और JP पावर की भी 1400 करोड़ है। मतलब इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी अदानी ग्रीन की भी अगर बात करें तो भी 1400 करोड़ ही सेल्स हो जाती है और JP पावर की भी उतनी ही है। रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी रेशियो की अगर बात की जाए तो अदानी ग्रीन की 10.96% है और JP पावर की 7.18 है। उसके बाद टाटा पावर की आप देख सकते हो 7.36 है। तो टाटा पावर और JP पावर का कंपटीशन टफ हम मान के चल सकते हैं। ये बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने की ताकत JP पावर वेंचर्स रखता है, इससे यही जाहिर हो रहा है। जो कॉन्स में लिखा था प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में कि प्रमोटर होल्डिंग कम होती हुई नज़र आ रही है वो सही है, 2% कम हो गई है मार्च 2022 में। FIs की जो होल्डिंग है वो 1.02 थी और अभी 1.20 है, ये इंक्रीज हुई है। उसके बाद DIs की जो होल्डिंग है ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। गवर्नमेंट का स्टेक इस कंपनी में अभी नहीं है और पब्लिक में 49% से बढ़कर 51% हिस्सेदारी हो गई है। तो चलिए देखते हैं चार्ट के माध्यम से JP पावर क्या कहना चाहता है। तो मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। इसका जो फर्स्ट टारगेट हमको नज़र आ रहा है वो है 9.20 रुपये का। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये अपर ट्रेंड में जाता है मंडे को तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 9.20 रुपये हो सकता है दोस्तों। और इसका जो सेकंड टारगेट है अगर ये ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट देता है तो इसका जो सेकंड टारगेट है वो 11 रुपये हो सकता है। जो इसका 52 वीक का जो हाई है उसको अगर ये तोड़ता है तो ये रॉकेट जरूर हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसे मिनिमाइज़ करने आना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो लॉस हो वो कम हो सके। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 6 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाना JP पावर में। कंपनी बहुत अच्छी है, रिसेंटली इसने अपना जो कर्जा है बहुत कम किया है, बैंकों ने भी इसे सपोर्ट दिया है। इसका जो कर्जा था उसको कम करने के लिए बैंकों ने भी बहुत मदद की है इसको। तो आप इसको अपने जरूर नज़रों में रखिए। आने वाले दिनों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका सपोर्ट JP पावर को जरूर मिल सकता है।
चाहे सुजलोन एनर्जी हो, टाटा पावर हो, जेपी पावर हो, अदानी ग्रीन पावर हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं जरूर आने वाले दिनों में रॉकेट होने वाली है। तो जितने भी पावर सेक्टर स्टॉक है इसमें तेजी जरूर आएगी, उसमें जेपी पावर भी एक स्टॉक जरूर हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।